शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में सोमवार से जुड़े दो विशेष उपाय शेयर करूंगी जो कि रात्रि में 9 से 12 के बीच में किए जाते हैं और साथ ही साथ यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो इस उपाय का आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी आज तो सप्तमी तिथि है, तो देखिए सप्तमी तिथि 9:40 पर समाप्त हो जाएगी, तो ये जो उपाय है उसे आप रात्रि 10 से 12 के बीच में अष्टमी तिथि लगने पर कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर विशेष उपाय है। पंडित प्रजीत जी मिश्रा ने अपनी जोशी महापुराण की कथा में है वह ये दो उपाय बतलाए थे। पहले उपाय में आपको चाहिए 5 बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र। इन बेलपत्र को आपको करना क्या है वो आगे बताऊंगी। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का है और क्लियर उन्होंने बताया था कि 3 माह के अंदर आप जिस भी मनोकामना से इस उपाय को कर रहे हैं वह कार्य आपका होकर ही रहेगा 3 महीने के अंदर अंदर। तो इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र चाहिए होगी। 5 बेलपत्र यदि नहीं मिल पा रही हो उस समय पर तो मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हो, परंतु आपको ध्यान ये रखना है कहीं से भी कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। डंठल का जो पीछे वाला भाग होता है बेलपत्र में, जो डंठल होता है मोटा हिस्सा, उसे तोड़ लेना है आपको। अब जब मंदिर से 5 बेलपत्र उठा रहे हैं ना आप, यानी कि भगवान से आप कुछ मांग रहे हैं, तो उसके निमित्त आपको कुछ दक्षिणा जरूर डाल देनी है। और यदि घर से बेलपत्र लेकर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 बेलपत्र को रात्रि 10 से 12 के बीच में आप लेकर जाएंगे, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते रुद्राय कहते हुए आप एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। आखिरी बेलपत्र जब चढ़ाएं अपनी मनोकामना महादेव के समक्ष जरूर कहें और जो डंडी का हिस्सा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, यानी जहां से जल गिरकर नीचे जाता है वहां होना चाहिए। अब ये 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो भी मनोकामना हो महादेव के समक्ष जरूर कहें। 3 माह के अंदर अंदर पंडित जी ने बतलाया है जिस भी कार्य को सोचकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो वो कार्य होकर ही रहेगा। तो पहला बेलपत्र बहुत सरल सुंदर सा था, 5 बेलपत्र वाला। दूसरा जो उपाय है उसे भी आप रात्रि में कर सकते हैं, चाहे तो देखिए शिवालय जाके करें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। परंतु मैं अक्सर कहती हूँ यदि आसपास शिवालय है, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं और आपकी मनोकामना वहां पे अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है, और यदि वह नहीं जा पा रहे हैं तो घर में यदि शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए गाय का जो दूध होता है, देसी गाय का दूध आपको चाहिए, जर्सी वगैरह नहीं होनी चाहिए। पहले ही आप आसपास में पता कर लीजिएगा, शुद्ध जो आपको दूध मिल जाए, देसी गाय का दूध हो, मिलावट बिल्कुल भी ना हो। भले ही आपको 1 चम्मच दूध मिल जाए, 1 बूंद दूध मिल जाए, परंतु गाय का ही दूध लेना है। भैंस का दूध नहीं चलेगा, पैकेट वाला दूध नहीं चलेगा। गाय जहाँ पर आपको आसपास भी बनती हो आप देख लीजिएगा, जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए। आप दूध को ले आएंगे अपने घर में। अब रात्रि 10 से 12 के बीच में कभी भी शिवालय में करें चाहे आप अपने घर के मंदिर में करें, 1 बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र वापस से बोलूंगी कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और यदि बेलपत्र नहीं मिल रही है ना, वापस से बोलूंगी मंदिर से जाकर बेलपत्र आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि सोमवार के दिन वृक्ष से बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, तो मंदिर से आप बेलपत्र ले आइएगा। अब ये जो दूध है, दूध को बेलपत्ती की सहायता से 1-1 बूंद आपको शिवलिंग के ऊपर गिराते जाना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम कहते हुए या ओम नमो भगवते रुद्राय कहते हुए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, आप उसका भी जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। जैसे 1-1 बूंद आप शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे, मंत्र जाप के साथ में गिराते जाएं, जब आपका दूध समाप्त हो जाता है, जितना भी आपने दूध लिया, 1 चम्मच 1 बूंद, जितना भी आप दूध लेना चाहते हैं आप उतना दूध ले सकते हैं, परंतु गाय का ही लीजिएगा। अब जब आपका दूध समाप्त हो जाएगा, आपने अभिषेक कर दिया, इसके बाद में जो दूध से सनी हुई आपके पास बेलपत्र जिससे आप अभिषेक कर रहे थे, उसी बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी जी के, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है जहाँ पर नंदी जी बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बेलपत्र रख देना है। डंडी का जो भाग होगा वो कहाँ जाएगा, वो जलाधारी की ओर जहाँ से जल गिरकर नीचे जाता है, चिकना भाग अशोक सुंदरी के ऊपर रहेगा। इस तरह से आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। आप खुद देखोगे जिस भी मनोकामना से आपने इस उपाय को किया है, दूध अर्पित करा है शिवलिंग के ऊपर, पंडित जी ने बतलाया है अति शीघ्र आपकी मनोकामना को महादेव पूर्ण कर देंगे। और यदि आप किसी
परीक्षा में बैठने वाले हो, किसी इंटरव्यू को देने वाले हो, या किसी विद्या अध्ययन आपने बहुत मेहनत करी, आप बहुत मेहनत सच में कर रहे हो और उसमें पास नहीं हो पा रहे हो, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। परंतु देखिए, बिना प्रयास किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, बिना पढ़े कभी भी हम सोचें अच्छे नंबर आ जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो इस उपाय को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठने जा रहे हो उसके लिए भी कर सकते हो। तो आशा करती हूँ सोमवार की तिथि में अष्टमी के संयोग में आप इन दोनों उपायों को जरूर करेंगे। उपाय अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।